नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 27 जुलाई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। पहला न्यूज़, मोदी इज गारंटी इंडिया विल बी अमंग टॉप 3 इकोनॉमिक्स इन NDA's थर्ड टर्म। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये चीज़ बोला है कि भाई NDA के थर्ड टर्म आते आते हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। देखिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब हम किसको किसको पीछे कर देंगे? जापान को, जर्मनी को। देखिए ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो लगभग अभी 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ठीक है। जापान का अगर आप देखेंगे तो 4.0 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड जो जर्मनी का है वो 4.5 के आसपास है। अरे मैंने उल्टा बोल दिया, 4.3 जापान एंड 4.0 के आसपास जर्मनी। तो इनका ये कहना है कि भाई हम जापान और जर्मनी को तो पीछे छोड़ देंगे। देखिए, जो टॉप टू इकोनॉमीज है ना, वो तो एकदम ही अलग हाई रैंकिंग में है। जैसे US का अगर आप देखोगे तो 25 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड फिर चाइना का देखोगे तो 18 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो वो तो ऑब्वियसली देखिए अभी अचीवेबल नहीं है इंडिया के लिए, मतलब अभी करंट टाइम में तो अचीवेबल नहीं है। बट हाँ, इन्होंने ये चीज़ बोला है कि थर्ड टर्म में हम जो है जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। फिर उन्होंने बोला है कि एक अमेलगमेशन अच्छा होगा ऑफ कल्चर एंड मॉडर्न कैपेबिलिटीज, जिससे इंडिया जो है आने वाला टाइम में उभर के आएगा। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, सेंटर मूव सुप्रीम कोर्ट सीकिंग एक्सटेंशन फॉर ED डायरेक्टर टिल अक्टूबर 15। देखिए, ED का जो है टर्म एक्सपायर होने वाला था, तो सेंटर ने क्या किया, इसे एक नोटिफिकेशन के थ्रू इसको एक्सटेंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडमस इशू किया कि भाई ये जो है, ये ED जो आप स्टेप डाउन करेंगे। देखिए, मैंडमस होता क्या है, मैंडमस एक टाइप का सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि भाई वो अगर कोई अथॉरिटी अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसे मैंडमस इशू कर देती है कि भाई तुम अब ठीक से काम करो, ठीक है। तो मैंडमस अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इशू किया, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई आपने जब इसे एक्सटेंशन दे दिया, दिस इज़ क्रॉस वायलेशन। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को यू नो सेंटर ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, तो 31 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन दे दिया था। अब 31 जुलाई तो लगभग आ गया। तो इन्होंने ये चीज़ बोला, सेंटर ने ये चीज़ बोला कि जो मिश्रा है, मिस्टर मिश्रा जो हमारे ED के डायरेक्टर हैं, उनका एक्सटेंशन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। बोला कि यार अभी क्या चल रहा है, जो हमारा इनका सर्वे चल रहा है FATF का, अब FATF का जो सर्विस चल रहा है उसमें इन्होंने बोला कि भाई इनका बहुत काम है, इनका बहुत रोल रहेगा, अगर ये स्टेप डाउन कर जाएंगे तो ये स्विफ्टली हो नहीं पाएगा। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इनका जो एक्सटेंशन है वो जुलाई 31 की जगह आप इसे कर दीजिए अक्टूबर 15 तक। तो देखते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से देखिए कर ही देगा, इतना बड़ा कंसर्न है, इतना बड़ा पब्लिक कॉज है। बट ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के मैंडमस के बिना आप इशू नहीं कर सकते हो, कोई ऑर्डर नहीं इशू कर सकते। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हो कि आप अपना लॉ को अमेंड कर दो, दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट गोइंग टू यू नो स्टॉप। बट सुप्रीम कोर्ट कैन वेरी वेल स्टॉप इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग देयर मैंडमस। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चीज़ बोला कि जो अभी पार्लियामेंट ने एक्सटेंशन कर दिया कि भाई CBI के जो डायरेक्टर है या ED के जो डायरेक्टर है उनका एक्सटेंशन हो जाएगा यू नो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एट दी ऑप्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है कि भाई क्योंकि ऑप्शन दे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो हो सकता है ED और जो इनके जो CBI के जो डायरेक्टर है वो थोड़ा बायस्ड है, ऐसा बोला जा रहा था। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम इस चीज़ पे कोई चेंजेस नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज हम ये चीज़ जानते हैं कि पार्लियामेंट केपेबल है कोई लॉ बनाने के लिए। लॉ बना के आपको जो अमेंड करना करो, आप ऐसे हमारे मैंडमेंट्स के ऊपर होकर काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, शिंदे MLAs गेट 14 डेज टू रिप्लाई डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस। पॉलिटिकल न्यूज़ है बट इसलिए कवर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए, जब भी अगर आप एंटी डिफेक्शन के अंदर कन्विक्ट हो जाते हो तो स्पीकर का फाइनल डिसीजन रहता है कि भाई एंटी डिफेक्शन के अंदर इस MLA को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं। महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि स्पीकर ने इस चीज़ को अग्री नहीं किया था, और स्पीकर ने क्या बोला था, स्पीकर ने इसकी कोई एक्शन ही नहीं लिया था। बेसिकली उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन कोई एक्शन नहीं लिया था। तो जो शिवसेना में जो उद्धव ठाकरे के जो फैक्शन है, उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ बोला कि भाई इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस ही नहीं इशू किया,
देखिए क्या है ना प्रॉब्लम कि जो स्पीकर है उनके पास कोई टाइमलाइन नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशू करने के लिए। हाँ रीजनेबल टाइम है। अब रीजनेबल टाइम ये नहीं होता है कि आप करो ही नहीं, और अब क्योंकि ये रीजनेबल टाइम सुप्रीम कोर्ट को नहीं लग रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने इशू कर दिया कि भाई अब आप जो है इसे थोड़ा सा फास्ट करिए, एंड स्पीकर को बोला कि आप इनको डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशू करिए। तो फिर फाइनली इनको नोटिस दिया गया डिस्क्वालिफिकेशन का। अब डिस्क्वालिफिकेशन का जब नोटिस इशू हुआ है तो 7 डेज का टाइम दिया गया उन MLAs को जो कि एकनाथ शिंदे के फैक्शन में चले गए बोल के कि भाई क्यों हम आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किए करें, ऐसे शो कॉज नोटिस करके इशू किया है। मीनवाइल इन्होंने नोटिस इसको भी इशू किया है, किसको? उद्धव ठाकरे के फैक्शन को, क्योंकि शिंदे फैक्शन ने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस इशू कर दिया। देखिए ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स है बेसिकली, इस पर हम ना नहीं घुसते तो ज़्यादा बेटर है। बट आप ये चीज़ समझ लीजिए कि भाई कैसे डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशू किया जाता है, कैसे स्पीकर के पास पावर रहता है, कैसे कोर्ट इंटरफेयर करके इसे प्रॉपर लाइन में लेके आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों फूड से रिलेटेड है, GI टैग वगैरह से रिलेटेड है। कश्मीर सैफ्रन टेकिंग द शाइन ऑफ सिल्वर वर्क। देखिए आपको पता होगा जब आप कुछ स्वीट्स वगैरह खाते हो तो उसमें कुछ सिल्वर का कोटिंग रहता है, एंड वो एडिबल सिल्वर कोटिंग रहता है, तो उसका प्राइस लगभग आप समझ लीजिए 800 के आसपास रहता है 10 ग्राम का। एंड सैफ्रन का अगर प्राइस देखा जाए तो 4950 के आसपास रहता है। तो अब हो क्या रहा है कि जैसे स्वीट में जब पहले फॉइल डाला जाता था, आजकल स्वीट में केसर जो सैफ्रन है वो डाला जा रहा है। तो ऑब्वियसली देखिए वो क्या होता है कि स्वीट के जो प्राइसेस उससे तो बढ़ा ही देता है, बट उसको प्रीमियम फील भी दे देता है कि हाँ भाई सैफ्रन के एक कोटिंग किया हुआ है। सैफ्रन की अगर बात करें तो सैफ्रन को भी हाल कश्मीर सैफ्रन को अभी हाल फिलहाल में GI टैग मिला है। GI टैग मतलब क्या होता है दोस्तों? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन से अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, या कोई एक पर्टिकुलर रीजन से, ये कोई प्रोडक्ट ही नहीं सिर्फ चीज़ों के लिए भी होता है, एक इंटेंजिबल चीज़ों के लिए होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई कल्चर हेरिटेज भी है वो भी आपका GI टैग में आ जाएगा। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आई एम श्योर अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपने GI टैग के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा, आर्ट एंड कल्चर में और बाकी चीज़ों में भी। तो कश्मीर के सैफ्रन को अब GI टैग मिल गया, एज एन कि कश्मीर का सैफ्रन अगर कहीं पर ऐसे लिख दिया कि भाई कश्मीर सैफ्रन, तो वो कश्मीर का सैफ्रन माना जाएगा, सो दैट पीपल आर नॉट कन्फ्यूज विथ अदर एरिया सैफ्रन या अदर कंट्री का सैफ्रन, एंड वो कश्मीर सैफ्रन को वो वैल्यू मिलेगा। जैसे हम बोल रहे हैं ना आगरा का पेठा, हालांकि आगरा का पेठा का GI टैग मिला है कि नहीं मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, बट हमें वो एकदम से स्ट्राइक कर जाता है कि वो आगरा का पेठा है। ऑब्वियसली इससे कई अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, बट मैं इसलिए इतना कॉमन एग्जांपल दिया ताकि आप थोड़ा कोरिलेट कर पाए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। लेजिटिमेसी ऑफ सच कॉपीकैट ट्रेड्स अंडर द लेंस व्हाइल नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, रेगुलेटर हैज ट्रीटेड रीसेंट इंस्टेंस एज अ वायलेशन। सेटलमेंट विद सेबी इन मिरर ट्रेडिंग केस स्पार्क्स अ डिबेट। देखिए क्या है ये न्यूज़ कि हुआ क्या कि एक ब्रोकर हाउस है, वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म के लिए ब्रोकरी करता है, ठीक है, एंड अब उसने क्या किया, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट फर्म ऑर्डर देता था वो क्या करता था, ऑब्वियसली वो कोई ऐसा नहीं कि अपना ऑर्डर पहले प्लेस कर देता था, नहीं, वो साइड बाय साइड अपना भी एक मिरर ट्रेडिंग कर रहा था। एज इन जो वो ट्रेड दे रहे, मान लो 100 रिलायंस शेयर बाई कर लो, वो उनके लिए बाई किया, वो अपने लिए भी बाई कर, 15 टाटा का शेयर्स बेच दो टाटा मोटर्स का, तो वो अब उनका भी बेचा अपना भी बेचा, सो दैट उनका रिटर्न एंड इसका रिटर्न एकदम प्रॉपर सेट बैठे, एंड उसे अपने पोर्टफोलियो में कोई फीस भी ऑब्वियसली पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को लेके वो जो फर्म है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने यू नो एलिगेशन लगाया कि भाई ये तो मिरर ट्रेडिंग है, एंड ये आप हमारे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप खुद के लिए प्रॉफिट बना रहे हो। तो फिर सेबी के पास ये मुद्दा गया, फाइनली अब जाके जो है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो रहा है वो ब्रोकरेज फर्म में एंड इन्वेस्टमेंट फर्म में। उन्होंने ये चीज़ बोला कि चलो ठीक है 46 लाख तक का फाइन पे करना पड़ रहा है उस ब्रोकरेज फर्म को। तो क्या ये प्रोहिबिटेड है? देखिए ऐसा देखा जाए तो कोई लॉ एक्सप्लिसिटली मिरर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट नहीं करता, बट सेबी ने ये चीज़ बोला है कि मिरर ट्रेडिंग वायलेट सर्टन प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशंस अंडर प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है,
तो इसीलिए अब ये डिबेट बन रहा है कि भाई क्या आने वाला टाइम में सारे मिरर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट किया जाएगा। अगर देखिए प्रोहिबिट किया जाएगा तो बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई सारे ब्रोकर फर्म्स अभी भी ये चीज़ करते हैं, जिनको अपने यू नो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रहता है वो ये चीज़ करते हैं। तो क्या मिरर ट्रेडिंग इलीगल कर दिया जाएगा, या अगर लीगल है तो इसके खिलाफ फिर फाइन क्यों पे किया जा रहा है? तो ये काफ़ी बड़ा डिबेट बन सकता है आने वाला टाइम। अभी जो देखिए सेटलमेंट हो गया एंड वो आउट ऑफ द कोर्ट हुआ, तो अब इस चीज़ को लेकर आई डोंट थिंक ये केस वापस से उठेगा, बट इस केस को एक एज एन एग्जाम्पल बना के बहुत सारे डिस्प्यूट्स और भी उठ सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आर्बिट्राज बाइंग टेक्स टाटा मोटर्स डीवीएस टू अर्न मोर। डीवीएस के मैंने आपको कल ही बताया था। देखिए दोस्तों डीवीएस के बारे में मैंने आपको कल जो एक जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसमें कुछ चेंजेस हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा मटेरियल डिफरेंस नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। इन्होंने जो डीवीआर इशू किया था, मैंने आपको बताया था कि हर 10 शेयर पर 2 शेयर का राइट मिलेगा, अलग मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल बताया था। तो इनका जो टाटा मोटर्स का जो डीवीआर है वो हर 10 शेयर पर वन वोटिंग राइट मिलेगा, ठीक है। और जो भी इन लोगों ने डीवीआर कैंसिल करेंगे उन लोग उसके बदले जो है टाटा मोटर्स का शेयर इशू कर देंगे। तो अब क्या है डीवीआर के लिए, क्यों ये आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होता है, पहले तो ये समझिए। आर्बिट्राज ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि आप कोई प्रॉफिट कमा रहे हो इन्वेस्टमेंट करके, बट वो इन्वेस्टमेंट आपका रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री एज इन आप गारंटेड प्रॉफिट कमा के निकलोगे। सपोज मान लो मैं 3% में कोई 3% पर एनम पे कोई या 4% पर एनम पे, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन, मैंने बोरो किया, मैंने एक क्वार्टर के लिए उस पैसे को लगाया एक जगह, एंड क्या किया मैंने उस पैसे से गारंटीड रिटर्न कमा लिया 3%। एक क्वार्टर में मैंने 3% कमा लिया, मेरे को ब्याज कितना पड़ा 4/4, एज इन 4 क्वार्टर होते साल में, तो 4% पर एनम के हिसाब से देखा जाए तो 1% पर क्वार्टर का ब्याज पड़ा, मुझे गारंटेड प्रॉफिट कितना आ गया 2%। ये क्या मुझे इनिशियल टाइम में पता था? ये मुझे इनिशियल टाइम एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट में पता था कि भाई एक क्वार्टर बाद जो है मेरे को रिटर्न 2% आ जाएगा एंड गारंटेड आएगा, एंड मेरे को ब्याज सिर्फ 1% देना पड़ेगा। तो मेरा जो प्रॉफिट है 2%, मेरा टोटल रिटर्न है 3%, मेरा कॉस्ट था 1%। तो इसको बोलते हैं हम आर्बिट्राज। आर्बिट्राज अब लोग टाटा मोटर के डीवीआर पे भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ब्याज पे पैसा ले रहे हैं, एज एन अपना एक पैसा लगा दे रहे हो उसमें उसको, क्योंकि अब टाटा मोटर्स जो है गारंटेड बाय तो करेगा, तो दे आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम बोरिंग मनी इन्वेस्टिंग इन टाटा डीवीआर फॉर सम टाइम, एंड व्हेन द रिडेम्पशन विल कम ऑफकोर्स एट अ प्रीमियम लाइक आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो, सो दे विल रिडीम इट एंड देन दे विल पे बैक द मनी। सो दिस इज नोन एज आर्बिट्राज, जहाँ पे गारंटेड प्रॉफिट हो, 0% रिस्क हो और आपका 0% इन्वेस्टमेंट हो। 0% इन्वेस्टमेंट कैसे? क्योंकि जो आपने जो बोरोइंग जो आपने जो पैसा लगाया वो खुद का नहीं लगाया, वो आपने बोरो करके लगाया, तो आपका पैसा भी खुद का नहीं लगा। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी टू मीट इन ऑगस्ट टू टेक अ कॉल ऑन 6 GHz बैंड। देखिए एशिया पैसिफिक कम्युनिटी क्या है? बस एक कम्युनिटी है जिसपे इंडिया, जापान, साउथ कोरिया इस टाइप के मेंबर्स है, चाइना। तो उन्होंने क्या किया है कि भाई बोला है कि ये जो 6 GHz का बैंड है, जो कि 5G का एक बैंड है, उसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए एंड उसके थ्रू इंटरनेट वगैरह सप्लाई किया जाए। अब देखिए इसमें दो फैक्शंस निकल के आ रहे हैं। एक फैक्शन जो गूगल, मेटा वगैरह बोलते हैं कि भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा तो अपने को ये करना चाहिए कि भाई जो अलग अलग जो रीजन से जहाँ पे वाईफाई पहुँच नहीं पाया वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। देखिए इनका क्या है ना कि अगर आप गूगल मेटा वगैरह यूज़ करना करते होंगे तो आपका अगर इंटरनेट का बैंडविड्थ अगर थोड़ा कम भी होगा ना तो भी आपके यूजर्स यूज़ कर पाएंगे। तो फॉर दीज कंपनीज इफ़ दे हैव टू इंक्रीज द बेस दे नीड टू सप्लाई दी ब्रॉडबैंड टू द वाइडर मार्केट। तो वो गवर्नमेंट को अर्ज करें कि भाई आप ब्रॉडबैंड को थोड़ा और सर्कुलेट करिए रादर देन जो एग्जिस्टिंग 5G उसको स्ट्रॉन्ग करें। अब जियो, एयरटेल ये सब जैसे प्लेटफॉर्म है, इन लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई नहीं, जो एग्जिस्टिंग 5G का जो बैंड है 6 GHz का, उसे आप ज़्यादा प्रमोट करिए। सो दैट इनका क्या है, देखिए अगर आप इसको प्रमोट करेंगे तो
तो ऑब्वियसली इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे। ऑक्शन भी होगा, ठीक है ऑक्शन होगा, जैसे चाइना में ऑक्शन हुआ था तो चाइना में बिक भी गए ये 6 GHz का बैंड। इनका ये कहना है कि भाई ठीक है हम ऑक्शन में खरीद तो लेंगे, लेकिन फिर वो कस्टमर्स को तो प्रीमियम चार्ज करेंगे ना। अगर आप देखो कि 2G 3G का जो सर्विसेज का जो चार्जेस था वो ऑब्वियसली बहुत कम था 5G से। अब 5G का अगर 6 GHz का बैंड का अगर चार्जेस देखोगे तो ऑब्वियसली नॉर्मल 5G से ज़्यादा होगा। आप देखो इनका स्पीड कितना आ रहा है, स्पीड आ रहा है 10 GBPS। मैं MBPS की बात नहीं कर रहा हूँ, GBPS। MBPS तो आजकल शायद कोई पूछता भी नहीं होगा, मतलब नॉर्मल वाईफाई में आजकल आपका 100 MBPS का स्पीड आने लग गया, तो 10 GBPS तक का स्पीड रहेगा। ठीक है, तो इसके कारण इनका कहना है कि भाई चलो ठीक है हम इसे प्रमोट करें। तो दो फैक्शंस अलग अलग है जिनका आपको मैंने व्यू पॉइंट समझा दिया। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, GST काउंसिल मीट्स नेक्स्ट वीक ऑन ई गेमिंग लेवी। ठीक है, ये न्यूज़ तो चलते आ रहा है तो इस पर डिस्कस क्या ही करें हम, अगर जब तक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेंजेस नहीं आए। बेसिकली मैं बस ये न्यूज़ को थोड़ा जिस्ट में समझा देता हूँ कि देखिए अभी जो गेमिंग कंपनीज है उस पर 28% GST लगने वाला है, और फिलहाल जो दो चीज़ में था, गेम ऑफ स्किल ऑफ गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल में 18% टैक्स था, गेम ऑफ चांस में 28% था। अब सारे गेम्स को ओवरऑल 28% कर दिया गया। चेंजेस और भी किया गया है भाई, जो फेस वैल्यू है उस पर अब टैक्स लगेगा, ना कि जो आपके जो विनिंग अमाउंट है उस पर। ठीक है, और जितने बार आप उस पर री इन्वेस्ट करते हो उस पर भी आपको टैक्स लगेगा। से सपोज़ मान लो मैं 100 रुपये लगाया, मैं 200 रुपये जीत गया, अब पहले तो मैं 100 रुपये पर GST पे कर दिया हूँ, मैं 200 रुपये मेरे को जब प्रॉफिट मिलेगा तो वो TDS कट के मिलेगा। अब वापस से मैं जब अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा उस पैसे को, वापस उस पर GST लगेगा। तो ऐसे क्योंकि वो कंपनी का टर्नओवर में बार बार काउंट होगा। तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है जो कि GST चाहता है कि हम इस चीज़ को हटाएं, इनफैक्ट ये लॉग से कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है हम ये बार बार जो रेपरेटिव टैक्सेशन है उसे एक बार फिर भी थोड़ा कंसिडर करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, पर 28% तो 28% रहेगा, फेस वैल्यू पे टैक्स तो फेस वैल्यू पे टैक्स ही रहेगा, आप इतना अज्यूम करके चलो। हम इससे कम तो नहीं करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं करेंगे गेम ऑफ स्किल को और गेम ऑफ चांस को। ठीक है, इससे भी रिलेटेड एक न्यूज़ मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों ये न्यूज़ है, ग्लोबल गेमिंग कंपनीज ल्यूर इंडियन बायर नो GST एड्स। देखिए ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह है उन लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई अब आपको क्या इंडिया पर 28% का टैक्स पे करना पड़ रहा है, आइए हमारे प्लेटफॉर्म में खेलिए, आपको 0% टैक्स पे करना पड़ेगा, नो TDS। तो ये जो है ऑब्वियसली देखिए फिर आपको विनिंग को आप अपने इनकम टैक्स में शो करोगे तो आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट वो काट के नहीं देंगे। अगर आप 1 करोड़ रुपये जीत रहे हो तो आप 1 करोड़ रुपये घर लेके जाओगे, लेकिन अगर आपको इंडियन प्लेटफॉर्म में 1 करोड़ रुपये जीत रहे हो तो आपको सिर्फ GST काट के TDS काट के ही पैसा मिलेगा। तो अब ये चीज़ है कि भाई ये लोग जो है अपने ऑडियंस को ऐसे कैटर कर रहे हैं कि भाई आपको इधर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इन लोग इन्फ्लुएंसर्स का मदद ले रहे हैं कि भाई ग्लोबल गेमिंग कंपनीज के उस पर ले लो, आप प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाओ। और तो और ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इन्फ्लुएंसर्स है वो अपने इसमें एक यू नो एक टैगलाइन भी कर दे रहे कि दिस इज़ नॉट फॉर द प्रमोशनल पर्पज़, दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़, इट्स आर ड्यूटी, ऐसे वगैरह वगैरह ये सब चीज़ करके कोट कर रहे हैं। बट आप सबको पता है कि भाई कितने हैवी पैसे दिए जाते हैं, 1000 रुपये पर पोस्ट, मतलब मैं तो कहूँगा काफ़ी छोटा ही है पोस्ट अमाउंट, बट ये छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स को भी इतना दे रहे, तो बड़े बड़े को तो और ज़्यादा देंगे ना ये। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, फेड रेजेस रेट्स बाय 25 basis points, कीप डोर ओपन टू मोर हाइक्स एज इन्फ्लेशन रिमेंस एलिवेटेड। इन्फ्लेशन पीक पे है US में, फेड का टारगेट कितना है 2%। फेड ने अभी पिछले 12 जो डिसीजंस है या मीटिंग्स है उसमें 11 बार फेड ने इंक्रीज़ किया था, सिर्फ लास्ट मीटिंग में फेड ने इंक्रीज़ नहीं किया था, और तब भी ये चीज़ बोला था कि भाई फ्यूचर में होगा रेट हाइक, और अभी भी फेड ने रेट इंक्रीज़ किया और अभी भी कह रहे हैं भाई फ्यूचर में रेट हाइक होगा। ठीक है, हम इस चीज़ का कोई अश्योरेंस नहीं ले सकते, और इन्होंने ये भी चीज़ बोला है कि भाई इन्फ्लेशन अभी भी कोई कंट्रोल में तो है नहीं हमारे, हम फ्यूचर में रेट हाइक करेंगे और अभी भी हम प्रॉपर हॉकी स्टांस लेके चल रहे हैं। हॉकी डोविस्ट क्या होता है स्टांस, मैंने आपको पहले ही बताया, हॉकी स्टांस मतलब आप रेट तो इंक्रीज़ कर रहे हो बट आप आने वाला टाइम में और भी इंक्रीज़ करोगे, दैट इज़ हॉकी स्टांस। अगर आप रेट इंक्रीज़ कर रहे हो डोविस्ट स्टांस के साथ, या अगर आप रेट इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो, स्टेटस को मेंटेन कर रहे हो, डोविस्ट स्टांस के साथ कर रहे हो, तो इसका मतलब अब जो है सेंट्रल बैंक डाउन जाएगा, मतलब इंटरेस्ट रेट कम करेगा। तो अभी भी इन लोगों ने जो रेट हाइक किया विद हॉकी स्टांस किया, तो आने वाला टाइम में आप और भी रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बढ़ेगा। ठीक है, आज का लास्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडिया स्वैप रेट्स हिंट, स्ट्रीट डज नॉट एक्सपेक्ट
रेट कट स्टिल अगस्त 14। देखिए ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप क्या होता है, एक नॉर्मल जो इंडेक्स स्वैप के बारे में आपको बता देता हूँ, ओवरनाइट का कोई वो नहीं है, बस ओवरनाइट एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि भाई कैसे इंटरेस्ट रेट आने वाला टाइम बढ़ेगा कि घटेगा। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है, जिससे मान लीजिए मैं और आप अगर इंटरेस्ट रेट स्वैप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई आप मुझे कुछ फिक्स परसेंटेज देंगे, मैं आपको कुछ वेरिएबल देते जाऊँगा, वेरिएबल एज इन डिपेंडिंग अपॉन दिस आरबीआई का रेट जो चल रहा है। तो अब आरबीआई का रेट अगर नीचे गया तो फ़ायदा मुझे होगा, ऊपर गया तो फ़ायदा नुकसान मुझे होगा, आपको आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आपको तो सिर्फ फिक्स्ड ही देना है। हाँ ये चीज़ आप ये बोल सकते हो कि यार मैंने फिक्स्ड क्यों ले लिया 5% पे, अभी तो इंटरेस्ट रेट कम होकर 4% हो गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो भाई आपकी तरफ से एक अपने हेज कर लिया, और मेरे तरफ से मैंने मुझे लगता है क्योंकि देखिए मैं कब वेरिएबल पे करने के लिए तैयार होऊंगा, जब मुझे लगे कि इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो ऐसे ऐसे टाइप के हेजिंग होते हैं मार्केट में, दिस इज़ अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अब ये इंडिकेट कैसे करते हैं, देखिए हर इंटरेस्ट रेट स्वैप का जो इनिशियल जो यू नो वैल्यूएशन होता है या जो इनिशियल जब घुसते हैं तो वो थोड़ा प्रेडिक्शन रहता है मार्केट का। अब अगर आप कोविड के टाइम जस्ट देखोगे तो कोई ये इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन जो वैल्यूएशन है वो ऐसे नहीं करेगा कि भाई आपका इंटरेस्ट रेट अभी जो कोविड के टाइम में जो गिर चुका है और भी गिरेगा, मतलब वो एक हद तक ही वैल्यू होगा, राइट। तो मेरा ये कहना है कि आने वाला टाइम को फोर्सी करके ये लोग आज का रेट डिसाइड करते हैं। अब जैसे सपोज़ मान लीजिए आप बोल रहे हो मुझे आप मतलब मैं आपको वेरिएबल दूंगा, बट आप कितना फिक्स्ड होगे उसका क्या पता। तो वो जो कैलकुलेशन फिक्स परसेंटेज है, मैं तो वेरिएबल दूंगा आपको एज़ पर द बैंक, ठीक है, आप जो मुझे फिक्स्ड होगे उसका कैलकुलेशन कहाँ से आया, वो 5% होगा 4% होगा, मैं बोलूँगा नहीं वो तो 3% होना चाहिए, आप बोलोगे नहीं वो तो 10% होना चाहिए। तो कुछ तो एक लॉजिक होगा ना उसका कैलकुलेशन का, वही लॉजिक लगता है किसमें, वो डिसाइड करने में कि भाई फोर्सी करिए कि अभी आने वाला टाइम में इंटरेस्ट बढ़ेगा कि कम होगा। ऑब्वियसली सबके देखिए उसमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट आप पहले फोर्सी करोगे एंड देन उसे आप अपने यू नो कॉन्ट्रैक्ट के रेट में लिखाओगे। तो एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट रेट्स करेंटली ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप्स जो बोल रहा है कि भाई आने वाला टाइम में जो है, पहले ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट वीक ऑफ मतलब फर्स्ट मंथ ऑफ 2024 में आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट घटाने लगेगा। अब जो ओवरनाइट इंडेक्स स्वैपिंग है मतलब इंडेक्स रेट है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि अगस्त के पहले तो देखिए रेट डिक्रीमेंट नहीं होगा। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे, और उम्मीद है आपको ये वीडियोस भी हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे।